लियो टॉल्स्टॉय की एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। कहते हैं कि पुराने रूस में तीन फकीर बहुत प्रसिद्ध हो गए। वे इतने प्रसिद्ध हो गए कि वहाँ का जो सबसे बड़ा पादरी था उसे उन तीनों फकीरों से बड़ी ईर्ष्या होने लगी, क्योंकि धीरे धीरे लोगों ने चर्च में आना ही बंद कर दिया था। चर्च से लोगों की भीड़ बिल्कुल गायब सी हो गई थी। अब सभी लोगों ने उन तीन फकीरों के पास ही जाना शुरू कर दिया था। वहाँ का प्रधान पादरी सोचता कि ये तीनों कौन हैं जो मेरे रहते संत बन गए, क्योंकि ईसाइयत में एक प्रथा है कि जब तक चर्च किसी इंसान को मान्यता ना दे दे तब तक वो संत नहीं बन सकता। पादरी बड़ा परेशान रहने लगा, क्योंकि लोगों में चर्च की लोकप्रियता दिनों दिन कम होती जा रही थी। लेकिन एक दिन तो हद ही हो गई। पादरी पूरे दिन चर्च में बैठा रहा, लेकिन एक भी व्यक्ति चर्च नहीं आया। पादरी के क्रोध का ठिकाना ना रहा। उसने निश्चय किया कि आज तो उन तीनों फकीरों की खैर नहीं, आज तो मैं उन तीनों को सबक सिखाकर ही रहूंगा। वह अपनी पूरी पादरी वेशभूषा में तैयार हुआ। उसने सोने का ताज पहना, हाथ में प्रधान पादरी का प्रतीक वाला सोने का डंडा लिया और चल पड़ा उन तीनों से मिलने। वे तीनों एक बड़ी सी झील के उस पार रहा करते थे। पादरी एक नाव में बैठकर झील के उस पार पहुंचा। थोड़ा आगे चलने पर उसे एक बड़े से पेड़ के नीचे तीन सीधे साधे से इंसान बैठे हुए दिखाई दिए। वे तीनों पलथी मारकर चुपचाप उस पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। पादरी ने उनके पास जाकर कहा, क्या तुम तीनों ही वो प्रसिद्ध संत हो जिनके कारण लोगों ने मेरे चर्च में आना बंद कर दिया है? उन तीनों ने कहा, संत? अरे नहीं नहीं, हम किस बात के संत? हम संत बनने के लायक नहीं हैं। ये तो यहाँ के लोग कहते हैं कि हम तीनों संत हैं। पता नहीं किसने ये झूठी अफवाह फैला दी जिसे सुनकर लोगों की भीड़ यहाँ आती है। हम तो रोज़ ही इन्हें मना करते हैं कि यहाँ मत आया करो, लेकिन हम जितना मना करते हैं भीड़ उतनी ही बढ़ती जा रही है। हम इस भीड़ से परेशान हो चुके हैं। ये भीड़ भाड़ हमें रुचती नहीं। हम तो एकांत में ही रहना चाहते हैं। अच्छा हुआ आप आ गए, अब आप ही बचाइए हमें इस भीड़ से। यह सुन वह पादरी तो खुशी से फूला न समाया। सोचने लगा, ये तो बड़े ही भोले लोग निकले। खटिया खड़ी कर दूंगा इन तीनों की। आज तो इन तीनों को लाइन में लगा कर ही जाऊंगा। पादरी ने पूछा, लेकिन तुम तीनों करते क्या हो? उन्होंने कहा, कुछ नहीं, बस इस पेड़ के नीचे बैठकर ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। पादरी ने पूछा, बाइबल कहाँ है? उन तीनों ने अपना सिर नीचे झुका लिया। पादरी ने पूछा, क्या हुआ? उन्होंने कहा, अब क्या बताएं आपसे, हम तीनों ही अनपढ़ हैं, हमें पढ़ना नहीं आता, बाइबल रखकर भी क्या करेंगे। यह सुनकर तो वह पादरी और भी खुश हुआ। सोचने लगा, अनपढ़ हैं फिर भी इतने सारे लोगों को बेवकूफ़ बना रखा है, इनकी तो मैं मटिया मेट कर डालूंगा, पूरे शहर के सामने इनकी बेइज्जती करूंगा। पादरी ने पूछा, फिर तुम लोग प्रार्थना कैसे करते हो? चर्च की प्रार्थना तो तुम्हें याद होगी ना? यह सुन उन तीनों ने फिर से अपना सिर नीचे झुका लिया। पादरी ने पूछा, अब क्या हुआ, तुम लोगों ने फिर से अपना सिर नीचे क्यों झुका लिया? उन्होंने कहा, क्या बताएं, बड़ी लज्जा आ रही है आपसे बताते हुए कि हमें प्रार्थना भी नहीं आती। पादरी ने आश्चर्य से कहा, क्या तुम्हें प्रार्थना भी नहीं आती? उन तीनों ने नाम में अपना सिर हिला दिया। पादरी ने कहा, फिर तुम तीनों प्रार्थना करते कैसे हो? उन्होंने कहा, आपके चर्च की प्रार्थना तो बड़ी लंबी चौड़ी है, हम अनपढ़ गवारों को याद ही ना हो पाई, और फिर गलत पढ़ने का कोई मतलब भी नहीं है, इसलिए बहुत सोचने के बाद, बहुत गणित भिड़ाने के बाद हमने अपनी खुद की एक प्रार्थना बना ली। यह सुन पादरी जोर से चिल्लाया, क्या तुमने अपनी खुद की प्रार्थना बना ली? प्रार्थना तो सर्वमान्य होती है, शास्त्रों में लिखी होती है, हजारों हजारों साल पुरानी होती है। जीसस को तो प्रार्थना खुद परमात्मा ने सिखाई थी, लेकिन तुम लोगों ने अपनी खुद की प्रार्थना बना ली। उन्होंने कहा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ़ करें, हम अनपढ़ गवार इंसान, हमें कुछ नहीं पता। अब आप हमें जो प्रार्थना सिखाएंगे हम वही प्रार्थना आज से करेंगे। हम आपके पैर पड़ते हैं, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें क्षमा करें और आप हमें अपनी वाली प्रार्थना सिखाएं। लेकिन पादरी के मन में भी जिज्ञासा जागी कि देखूं तो इन्होंने कौन सी प्रार्थना बनाई है। पादरी ने कहा, पहले तुम लोग मुझे अपनी प्रार्थना सुनाओ। उन्होंने कहा, नहीं महाराज, हम अनपढ़ों की प्रार्थना का कोई मतलब नहीं, आप हमें और शर्मिंदा ना करें, आप हमें अपनी वाली प्रार्थना सिखाएं। लेकिन पादरी नहीं माना, इसलिए पादरी के बार बार कहने पर आखिर में वो अपनी प्रार्थना सुनाने के लिए राजी हो गई। उन्होंने कहा, हमने बहुत सोचा, बहुत विचार किया, लेकिन हमें कोई प्रार्थना ना सूझी। फिर हमें याद आया कि ईसाइयत में तो भगवान के तीन रूपों को माना गया है, इसलिए हमने इसी पर अपनी प्रार्थना बना दी। अगर आप हमारी प्रार्थना सुनेंगे तो हम पर हंसेंगे। इसके बाद वे तीनों चुप हो गए। पादरी ने कहा, अरे बताओ, नहीं हंसूंगा मैं। उन्होंने कहा, भगवान के तीन रूप हैं, इसलिए हमने प्रार्थना बना दी कि
हम भी तीन, तुम भी तीन, हम पर कृपा करो। यह सुन तो वह गंभीर पादरी भी हंस पड़ा। बोला, जिंदगी में बहुत प्रार्थनाएं सुनी पर ऐसी प्रार्थना कभी ना सुनी। वह मन ही मन सोचने लगा, बड़े बेवकूफ लोग हैं, आज तो इनकी यक्त ठिकाने लगाकर ही जाऊंगा। इन तीनों को मेरे पास चर्च में आना ही पड़ेगा। उन तीनों ने कहा, आप हमारी छोड़िए, अपनी प्रार्थना सिखाइए, हम आज से वही करेंगे। पादरी ने उन्हें चर्च की प्रार्थना सिखानी शुरू की। उन्होंने कहा, एक बार और। पादरी ने फिर सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार और। पादरी ने तीसरी बार सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार और, कहीं भूल ना जाएं। पादरी ने फिर सुनाई। उन्होंने कहा, एक आखिरी बार और। पादरी ने कहा, घबराओ मत, कभी कभी चर्च भी आया करो, धीरे धीरे तुम लोगों की भी जिंदगी सुधरने लगेगी, और अगर रोज आओगे तो यह प्रार्थना भी सीख जाओगे। उन्होंने कहा, जी, जैसी आपकी आज्ञा। पादरी बड़ा खुश हुआ। उसने कहा, तुम लोग डरना मत, चर्च आओ, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा और लोगों से भी माफ़ करवा दूंगा। उन्होंने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप बड़े महान इंसान हैं। पादरी ने सोचा, चलो एक झंझट छूटी, इन मूर्खों को तो लाइन पे ले आया। वह अपनी नाव पर बैठकर वापस जाने लगा। नाव अभी झील के बीचों बीच पहुंची ही थी कि पीछे से कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज़ आई। पादरी और मांझी ने पीछे मुड़कर देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वे तीनों पादरी को पुकारते हुए झील के पानी पर दौड़ते हुए चले आ रहे थे। वे तीनों पानी पर ऐसे दौड़ रहे थे मानो कोई जमीन पर दौड़ रहा हो। यह देखकर तो पादरी के हाथ से वह सोने का डंडा छूटकर वहीं नाव पर गिर गया। यह चमत्कार तो आज तक केवल जीसस ने ही करके दिखाया था। वे तीनों भागते हुए नाव के किनारे आकर खड़े हो गए और पादरी से कहने लगे, आप वो प्रार्थना हमें एक बार और सुना दें, हम उसे भूल रहे हैं। वो कहता है ऐसे शुरू होती है, ये कहता है ऐसे शुरू होती है, मैं कहता हूँ ऐसे शुरू होती है, हम तीनों में बहस शुरू हो चुकी है, अब हम बहस करें या प्रार्थना करें, इसलिए आप हमें वो प्रार्थना एक बार और सुना दें। पादरी ने तो झुककर उनके पैर ही पकड़ लिए और कहने लगा, अब तक जो भी बताया है, जो कुछ भी कहा है, सब कुछ भूल जाओ, तुम्हारी प्रार्थना जीती और मेरी हारी, तुम्हारी प्रार्थना ही श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है क्योंकि वह सुन ली गई है, और सच तो ये है कि अब से मैं भी तुम्हारी वाली ही प्रार्थना करूँगा। गलती तो मुझसे हुई है जो मैंने तुम्हारी प्रार्थना को कम समझा, जबकि कमी तो मेरी श्रद्धा, मेरी आस्था में थी, कमज़ोर तो मेरी प्रार्थना थी, इसलिए आप लोग मुझे क्षमा करें, बड़ा उपकार होगा। वे तीनों फकीर बोलते रहे कि आप एक बार हमें अपनी वाली प्रार्थना और सुना दें, लेकिन वह पादरी चुपचाप अपना सिर नीचे झुकाई वहाँ से चला गया। दोस्तों, अगर आप लियो टॉल्स्टॉय द्वारा लिखी और भी ऐसी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो आप इन्हें सुन सकते हैं कुकू एफएम ऐप पर। कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप कहानियों के अलावा सेल्फ हेल्प बुक्स, रिलीजियस बुक्स एंड फेमस पर्सनैलिटीज़ की बायोग्राफीज़ को भी ऑडियो फॉर्मेट में सुन सकते हैं, वो भी अपनी मनपसंद लैंग्वेज में। अगर आप प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड करके इसके 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वो आपको पड़ेगा 399 रुपीज़ का, लेकिन आप इसे अवेल कर सकते हैं सिर्फ 199 रुपीज़ में अगर आप यूज़ करते हैं कूपन कोड WI50। लेकिन यह कूपन कोड सिर्फ पहले 250 लोगों के लिए ही वैलिड है, इसलिए देर ना करें। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट पर दी गई है, एक बार जाकर जरूर चेकआउट करें। लियो टॉल्स्टॉय की यह कहानी हमें सिखाती है कि ये जरूरी नहीं कि हमारे द्वारा की गई प्रार्थना शास्त्रों से ही ली गई हो, वो बहुत प्राचीन ही होनी चाहिए, लाखों लाखों लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। अगर हमारी प्रार्थना सच्ची है, सच्चे मन से की गई है, तो वो परमात्मा के द्वारा जरूर सुनी जाएगी, फिर चाहे वो 2 शब्दों की साधारण सी ही प्रार्थना क्यों ना हो। उन 3 साधुओं की कहानी से सीखने को तो हमें यही मिलता है कि हम चाहे कुछ भी करें, लेकिन उसे दिखावे के उद्देश्य से ना करें। हम जब भी किसी काम को करें तो हमारी पूरी आत्मा उस काम में उतर जानी चाहिए, उस काम के प्रति हमारा पूरा समर्पण होना चाहिए। अगर हम हर काम को इसी तल्लीनता के साथ कर पाए तो हर काम में हमारी सफलता निश्चित है, जैसे कि उन 3 साधुओं के साथ हुआ था। उन्होंने अपनी प्रार्थना को इतने समर्पण भाव के साथ किया था कि प्रार्थना उन्होंने नहीं, उनकी आत्मा ने की थी। फिर उनकी प्रार्थना इतनी सच्ची हो गई कि ईश्वर भी उनकी प्रार्थना को सुने बिना ना रह सका।